नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश में जहरीली शराब पीने से एक हफ्ते में 24 लोगों की मौत के बाद सीएम शिवराज की सख्ती ने अधिकारियों को कार्रवाई करने पर मजबूर कर दिया है। पुलिस टीम अब अवैध शराब बनाने वालों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। इस बीच पुलिस टीम को कड़े विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। चार थानों की पुलिस टीम ने राजगढ़ में कंजर गिरोह के दो ठिकानों पर सुबह 6 बजे दबिश दी। यहां पर कुछ लोग अवैध तरीके से जहरीली शराब बना रहे थे। शराब बनाने वालों ने जब पुलिस को देखा तो उन्होंने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया। करीब 30 मिनट तक पुलिस और जहरीली शराब बनाने वालों के बीच झड़प होती रही। आरोपी पुलिस टीम का जमकर पत्थरबाजी कर रहे थे। कंजर गिरोह के शराब तस्करों ने पुलिस टीम पर इस कदर हमला किया कि कई पुलिस वाले बुरी तरह से घायल हो गए। पुलिस ने पत्थरबाजी करने वालों को समझाने की कोशिश भी की कि वो कानून को अपने हाथ में ना लें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा, लेकिन पत्थरबाजों ने पुलिस की एक ना सुनी और लगातार पत्थरबाजी करते रहे, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन अपने बचाव में आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने, जिसके बाद पुलिस को हवाई फायरिंग करनी पड़ी। करीब 12 से अधिक लोग बेखौफ होकर पुलिस पर लगातार पत्थरबाजी कर रहे थे। इनको ना तो पुलिस का डर था और ना ही किसी कार्रवाई का। इस पत्थरबाजी में पुलिस कांस्टेबल सुदामा शर्मा और नीलेश ठाकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। राजगढ़ में कंजर गिरोह पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर नारोरी गांव में पुलिस टीम शराब बनाने वालों के ठिकानों पर छापेमारी कर कार्रवाई करने में लगी हुई थी। इस दौरान पुलिस टीम ने मौके से 10,000 लीटर महुए की लगान को नष्ट कर दिया है। इतना ही नहीं, शराब तस्करों ने डेरे में शराब पकाने के लिए जो भट्टियां बना रखी थी, पुलिस ने उसको भी तोड़कर तबाह कर दिया है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 8 लाख की लहान के 7 लाखों रुपए के निर्माण को ध्वस्त किया है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इन शराब बनाने वालों के हौसले इतने बुलंद हैं कि पुलिस पर भी हमला करने से नहीं चूक रहे। लेकिन पुलिस ने अब ठान लिया है कि ये शराब तस्कर कितना भी विरोध कर लें, इनको छोड़ेंगे नहीं। पत्थरबाजी करने के मामले में पुलिस ने 7 लोगों पर अवैध शराब बनाने को लेकर संगीन धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। हाल ही में मुरैना में अवैध शराब बनाने को लेकर चर्चित रेढ़ी तहसील के कहरिया गाँव में तड़के सुबह 4 बजे 7 थानों की पुलिस ने एक साथ दबिश दी थी, जिसमें 10 लीटर महुआ की कच्ची शराब बरामद हुई थी। इतना ही नहीं, यहाँ से पुलिस ने 400 क्विंटल महुआ भी जब्त किया था, जिससे लगभग 1.5 लाख लीटर शराब बनाई जा सकती थी। कार्रवाई करते दौरान वहां पर भी पुलिस टीम पर हमला हुआ था, लेकिन मामा के आदेश के बाद जिन लोगों ने पुलिस टीम पर हमला किया था, उनके अवैध मकानों को पुलिस ने बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया था। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी शराब बनाने वालों के हौसले बुलंद हैं। लेकिन अब ये कुछ भी कर लें, मामा की निगाह में ये आ चुके हैं। मामा इनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि शराब का नाम सुनकर भी इनकी रूह कांप जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़ एमपी। धन्यवाद।